एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर है तथा उसका परिमाप इतना सेंटीमीटर दिया गया है, तो दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात करें। दो बराबर भुजाओं के तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 2 गुणे भुजा प्लस आधार। जबकि परिमाप इसका दे दिया गया है 4.2/15, 2/2। जबकि भुजा देल है, भुजा तो हमें नहीं दिया गया है, भुजा का मान निकालना है 2a, पर आधार कितना दिया गया है 4/3। चलिए इधर इसको पहले पूर्णांक को तोड़ते हैं, 15 चौकी 60 है 2 62/15 बराबर 2a + 4/3। मेरा दाएं साइड प्लस है, अगर इसको बाएं साइड लेंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, 2a = 62/15 - 4/3। 15 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 15 से भागा देंगे 15 में तो 1 - 62 करेंगे कितना होगा, अब 3 से भागा देंगे 15 5 बार लगेगा, 5 * 4 करेंगे कितना होगा, मिस बच गया 2a, 2a = कितना बचा यहाँ 42/15। इधर 2 गुना में तो मेरा बाएं साइड 2 गुना में दाएं साइड आएगा तो क्या होगा, भागा में, चलिए भागा में हो गया। देखते हैं 2 से कटने वाली संख्या है 42, 21 बार 21 और 15 भी कट रहा है, 3 से 3 = 21, 3 + 15 तो a = कितना आया 7/5 मीटर, मीटर में है सेंटीमीटर, 7/5 सेंटीमीटर। इसको पूर्णांक में भी हम लिख सकते हैं यस सर, या बटा भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।